बॉक्स में जाके सब्सक्राइब करें, उसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में। में उसका आपको बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे देखने को ब्लॉग्स मिलेंगे। नमस्ते आदाब सत श्री अकाल और हेलो, आई होप आप लोग मजे में बिल्कुल ठीक ठाक हैं। बात करें समंता प्रभु की, तो वो अंतवा जो गाना था उससे काफ़ी वो चर्चा में और आ गई हैं और काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस हैं। अभी रिसेंटली हमने जो KRK मूवी का किया था उसमें बड़ी मज़ेदार डिफरेंट डिफरेंट मूवीज़ करती हैं, तो उनकी एक और मूवी की ग्लिम्प्स आ गई है जिसका नाम है यशोदा। और समंता हैं, वारालक्ष्मी शरत कुमार हैं और मनीष शर्मा लिखा हुआ है यहाँ पर। सो इसकी भी हमें आई थी, लोग कह रहे थे कि यार आप इसकी फ़र्स्ट ग्लिम्स देखें, तो हमने कहा वाई नॉट, जो हमारे लोग कहते हैं हम उसको लाजमी, और कोई चीज़ लेटेस्ट आ रही हो तो हम कोशिश करते हैं उसको पहले लेकर आएँ। सो इसको देख लेते हैं, देखने के बाद करेंगे डिस्कशन। देवी मूवीज प्रेग्नेंट है बड़ा सस्पेंस वाला है। प्रेग्नेंट लग रही है, मुझे लग रहा है किसी हॉस्पिटल में है। हाँ, वो उसी हॉस्पिटल में कमरा भी बना हुआ है। हाँ, एकदम से ये उतरती हैं, खिड़की के पास जाती हैं, एक परिंदा बैठा होता है, उसको यूं हाथ करने के लिए बाहर करती हैं और वो दूर कैमरा जाता है और कोई मेज नहीं बकायदा बनी होती, खत्म ही नहीं हो रही वो। हाँ। तो मेज के अंदर, फिर मेज से बाहर आता है और यशोदा लिखा हुआ होता है। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है इसमें ये प्रेग्नेंट दिखाई नहीं है। हाँ, प्रेग्नेंट लग रही है और हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल में एक कमरा, आई थिंक इनको या तो बंद किया गया हुआ है, हाँ, कुछ ऐसा हो सकता है। तो बाकी ये है कि सस्पेंस छोड़ दिया इसने कि ये क्या हो सकता है। एंड समंता, हाँ, समंता की जो एक्सप्रेशन थे ना वो मुझे बड़े अच्छे लगे। सो बाकी आप बताएं, आपको इस मूवी के हवाले से क्या पता है, किस टॉपिक पे ये मूवी है, और समंता के जो फैंस हैं उन्होंने ज़रूर इसको लाइक एंड शेयर भी करना है। सो इंटरेस्टिंग लगा है मुझे इंटरेस्टिंग लगा है। एंड सुनने में आया कि पैन इंडिया फिल्म होगी, ये भी कंफर्म कीजिएगा। सो अगर आपको रिएक्शन अच्छा लगा तो व्हाट डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय ब्लॉग चैनल, जाके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, Instagram पे फॉलो कर लें लेटेस्ट फोटोज और अपडेट्स के लिए। इसी तरह हम लोग डिफरेंट और नए नए रिएक्शन लेके आते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।